कोरोना वायरस से लोगों की जान बचाने के लिए हमारे योद्धा यानी पुलिसकर्मी अपने परिवार को छोड़कर अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहे हैं। ऐसा ही कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वीर योद्धा छोटी ग्वालटोली थाना प्रभारी धर्मवीर नागर की, जो पिछले एक महीने से अपने परिवार को छोड़कर शहरवासियों की रक्षा के लिए जवानी स्तर तक के प्रयास कर रहे हैं। वहीं उनके परिवार में उनके 90 वर्षीय पिता रिटायर्ड डीएसपी चाहतराम नागर ने अपने थाना प्रभारी बेटे और समस्त पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए सुरक्षा का पूरा बदन को ढककर स्कार्फ बराबर रखे, पूरा ढके, जो आंखों बंद कर बंद कर रखे, रातों को दोनों जिसने टाइम दो दफा हर आधे घंटे दो घंटे डेढ़ घंटे में हाथों को धोना जरूरी है, इसलिए और हमेशा डिस्टेंस, जब किसी बात करना है तो थोड़ा डिस्टेंस से अपने बात करो और ज्यादा भीड़ की तरफ को मत जाओ, ये सबसे बड़ी चीज है। और ना किसे, और पानी क्या, हर आधे घंटे में एक घंटे में एक दो गिलास पानी लगातार पिए, अगर बॉइल्ड पानी रख सकते हो तो बॉइल्ड पानी रखिए। वहीं पूरा परिवार समय समय पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर स्वास्थ्य का हाल चाल पूछता रहता है। हेलो पापा, कैसे हो? बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए, मैं यहाँ पे आई हूँ और लॉकडाउन हो गया तो आपसे मिलना ही नहीं हो पा रहा है। सबको यहाँ पे टेंशन होती रहती है, दादा को और मम्मी को, और दादा बोल रहे थे कि आप अपना ध्यान रखिएगा और स्टाफ का भी ध्यान रखिएगा, और मम्मी पूछ रही थी कि आपने काढ़ा लिया कि नहीं लिया, और बस आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से आइए ताकि अपन साथ में बैठ के लूडो खेल सके। ऐसे समस्त कर्मवीर योद्धा को हम भी सलाम करते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के लोगों की रक्षा के लिए अपनी वर्दी का फर्ज निभा रहे हैं।